गुड आफ्टरनून 10th हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, आज हम सामाजिक विज्ञान में पार्ट एक इतिहास में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसका आगे का भाग पढ़ेंगे। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि यूरोप में किस प्रकार से शासन तंत्र में अलग अलग विचारों को हमें देखने को मिला। आज हम पढ़ेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण किस प्रकार से हुआ। अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखते हैं तो आप उसमें देखेंगे कि राष्ट्र राज्य कहीं भी नज़र हमें नहीं आएंगे, जैसे कि कौन कौन से, जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड, ये सारे राष्ट्र राज्य हमें कहीं नहीं मिलेंगे। तब उस समय राजशाहियों, डचियों और केंटनों में वो बटे हुए थे और वहाँ पर शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन था। इन इलाकों में तरह तरह के लोग निवास करते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं समझते थे। अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे, जाति समूह में रहते थे और उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग राज्य, जो अलग अलग क्षेत्रों और जन समूहों से जुड़ा हुआ था, इसमें से एल्पस के ट्रिलॉन, ऑस्ट्रिया और सुडेटेनलैंड जैसे इलाके और इसके साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था। यहाँ कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोली जाती थी, जबकि हैब्सबर्ग साम्राज्य में लोम्बार्डी और वेनेशिया जैसी इतावली भाषा बोली जाती थी। ये इतावली भाषी प्रांत भी इसमें शामिल थे। हंगरी में आधे से ज़्यादा लोग मैग्यार भाषा बोलते थे, जबकि कुछ लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। गालिसिया और कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलते थे। इस प्रकार से प्रभावशाली समूहों के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमाओं के भीतर भारी संख्या में लोग खेती करने का काम करते थे और कुछ लोग उनके अधीन अवस्था में रहते थे। उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक, कॉर्नी ओला में स्लोवेंस, दक्षिण में क्रोएट, पूरब की तरफ ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले राउमन लोग थे। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला था नहीं था। इस तरह अलग अलग तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व केवल कौन था, सम्राट था, जिसकी सभी निष्ठा से उसकी बातों का पालन करते थे। अब कुछ यहाँ पर तिथियाँ दी हैं, यानी तारीखें दी हैं, जिनके हिसाब से जो घटनाएं घटी वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। 1797 नेपोलियन का इटली पर हमला, नेपोलियन युद्धों की शुरुआत। 1814-1815 यानी 1814-1815 नेपोलियन का पतन, वियना शांति संधि। 1821 यानी यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का प्रारंभ, शुरुआत। 1848 यानी फ्रांस में क्रांति, आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त कारीगरों, औद्योगिक मजदूरों और किसानों की बगावत, मध्य वर्ग संविधान प्रतिनिधित्वात्मक सरकार के गठन की मांग करता है। और इसके अलावा इतावली, जर्मन, मैग्यार, पोलिश, चेक आदि राष्ट्र राज्यों की मांग। 59 से 70 तक इटली का एकीकरण हुआ, 66 से 71 जर्मनी का एकीकरण हुआ और 1905 में हैब्सबर्ग और ओटोमन साम्राज्य में स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत होता गया। अब हम पढ़ेंगे कि कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग क्या है। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। जिसके पास जमीन होती थी उसे ही कुलीन वर्ग में रखा जाता था। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली में बंधे हुए थे, जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थे। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। इनके पास बहुत सारे जमीन थी। राजनीतिक कार्यों के लिए और उच्च वर्गों के बीच वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। कौन सी भाषा यूज़ करते थे, ये फ्रेंच। परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़े होते थे। यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था। जनसंख्या के अधिकांश लोग किस पर आश्रित थे, कृषक यानी कृषि पे आश्रित थे, इसलिए इनको कृषक कहा गया।
पश्चिम में ज़्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार यानी खेती करते थे, जबकि पूर्वी मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी थी जिस पर भूदास खेती करते थे। पश्चिमी और मध्य यूरोपीय हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्य वर्गों का उदय हुआ, जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में यह 19वीं शताब्दी के दौरान हुआ। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए और श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग जो उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से बना हुआ था। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा होता गया और कुलीन विशेष अधिकारों की समाप्ति हो गई। उनके पास जो विशेष अधिकार प्राप्त थे वो पूरी तरह से समाप्त हो गए। इसके बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्ग के बीच ही राष्ट्रीय एकता का विचार लोकप्रिय हुआ और शिक्षित वर्ग सामने आया और उदारवादी। अब उदारवादी राष्ट्रवाद क्या मानते थे? तो यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े हुए थे। उदारवाद यानी लिबरलिज्म और लातिन भाषा के मूल लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ होता है आज़ाद, स्वतंत्र। नए मध्य वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष बराबरी। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी थी। फ्रांसीसी क्रांति के बाद उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति हुई। संविधान और संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। अब क्या हुआ कि 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर बल दिया गया, लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था। वहां मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल किसको प्राप्त था? संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था, मतलब जिसके पास संपत्ति होती थी वही पुरुष मत देने का अधिकार रखते थे। संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा जाता था। जिनके पास संपत्ति नहीं होती थी, जिन पुरुषों के पास, और सभी महिलाएं इसमें आती थी जिनको अधिकारों से वंचित रखा गया, मतलब उन्हें मत देने का अधिकार नहीं था। केवल थोड़े समय के लिए जेकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था, मगर नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस आई और उसने महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए उन्हें पिता और पतियों के अधीन कर दिया और संपूर्ण 19वीं सदी और 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए एक विरोध आंदोलन चलाया। आर्थिक क्षेत्र से देखा जाए तो उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीज़ों पूंजी के आवागमन यानी आने जाने पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। वो नहीं चाहता था कि इस प्रकार की कोई कार्य हो। अब 19वीं सदी के दौरान क्या हुआ कि उभरते हुए मध्य वर्गों की यह जोरदार मांग थी। 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण हम ले सकते हैं। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों ने अनगिनत छोटे प्रदेशों या मान के चलो 39 राज्यों का एक महासंघ बनाया। इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नापतोल प्रणाली रखी गई। 1833 में हैम्बर्ग ने न्यूरेनबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता और हर बाज़ार का लगभग 5% सीमा शुल्क उसको देना पड़ता था। इतनी सीमाएं अगर आती, कोई से भी राज्य की सीमा आती थी तो उसे सीमा शुल्क देना, मतलब सीमा में प्रवेश करने का शुल्क कर टैक्स देना पड़ता था और वो कितने परसेंट होता था? 5%। शुल्क अक्सर किसमें वस्तुओं का वजन और आकार के अनुसार लिया जाता था, मतलब उसके पास जो वस्तुएँ होती थी या जो उस वस्तुओं का वजन होता था उसके आधार पर उसे सीमा शुल्क 5% का देना पड़ता था। हर क्षेत्र की अपनी नापतोल व्यवस्था थी, अतः हिसाब लगाने में समय लग जाता था। मसलन कपड़े को नापने का पैमाना एले था, जिसकी लंबाई की जगह के साथ साथ घटती बढ़ती थी। एक एल कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता था जो 54.7 सेंटीमीटर और मैच
55.1 सेंटीमीटर और न्यूरेनबर्ग 65.6 सेंटीमीटर और फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से नापतोल घटता बढ़ता रहता था और इन्हें सीमा शुल्क देना होता था। नई परिस्थितियों और नए वर्ग में वाणिज्य वर्ग ऐसी परिस्थिति को आर्थिक विनिमय विकास में बाधक मानते हुए एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहे थे। जहां वस्तु और लोग और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो रहा था, वहीं प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ जारी किया गया, स्थापित किया गया, जिसका नाम रखा गया जॉन वराइन, जर्मन राज्य में शामिल हो गया। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, पहले 30 से ऊपर थी। इसके अलावा रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बना दिया। मतलब रेलवे ने थोड़ा सा आर्थिक प्रयास करते हुए इन्हें लाभकारी बना दिया और राष्ट्रवाद की लहर क्या हो गई, मजबूत बन गई। आगे का भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक आप सबको इस लेसन को पढ़ना है।